तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का 100% रियल पेपर आ चुका है। तो फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, सभी को इसका फ़ायदा हो सके। 100% रियल पेपर है तो फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। डेली जो है आपको 5:30 बजे सुबह या 6 बजे पेपर अपलोड कर दिया जाता, हमारे पास डेली पेपर आ जाता है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु एक विलयन है। तो वायु में विलयन क्या होता है? गैस में से गैस का विलयन होता है। तो पहले का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, रक्त होता है। तो रक्त एक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से यहाँ पर सुनते जाइए, और आपको आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपका 9 बजे से पेपर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल का या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो किसके कारण गिर जाते हैं? गति जड़त्व के कारण। बी नंबर का ऑप्शन उत्तर होगा, गति जड़त्व के कारण। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर दोनों होते हैं, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं। तो कौन से हो जाएंगे? उपर्युक्त सभी। यहाँ पर उपर्युक्त सभी डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो 6 प्रश्न पूछे गए थे पहले प्रश्न के, इस प्रकार से आपको पेपर में भी इसी प्रकार से उत्तर लिखना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अभी से अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न में जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस परिक्षेपण के माध्यम से होता है? तो यहाँ पर जो होता है अम्लनाशक के कारण होता है। पहले का आंसर अम्लनाशक होगा। इसके बाद जो दूसरा खाली स्थान है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान के उत्तर में आपको त्वरण लिखना है। इसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तीसरा खाली स्थान है, किसी वस्तु को खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उसकी माप होता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर भी जड़त्व होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, केल्विन का मात्रक होता है। तो केल्विन का जो मात्रक होता है, केल्विन जो ताप का मात्रक होता है, तो ताप इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना है, CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आपको कोष्टक बना के होल ट्वाइस इस प्रकार से आप लगाएंगे, पाँचवे का उत्तर होगा। इसके बाद छठवा है, 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होता है? तो 1000 जूल होता है, 1000 जूल। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो फटाफट वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में जो है 77 पूछे गए हैं, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है यहाँ पर इस प्रकार से कि जो है गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। यहाँ पर गणितीय मान सदैव धनात्मक नहीं होता, यह कथन आपका असत्य होगा। तीसरा है, गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है। तो यह असत्य होगा। चौथा है, गैसीय अवस्था में कणों की अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा है, कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर यह असत्य होगा। छठवा है, फसल उत्पादन में सुधार संकरण द्वारा किया जा सकता है। तो बिल्कुल सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में जो 77
पूछेगा है। इस प्रकार से 6 के 6 यहाँ पर सत्तर सत्य के आंसर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न जो पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं। पहला दिया गया है तन्यता, तो तन्यता एक क्या होती है, धातु होती है। पहले की सही जोड़ी जो है आपको सी नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से सी नंबर से आप मिलाएंगे। इसके बाद जो है दूसरा है पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो किसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से ई नंबर से मिलाना है। तीसरा है संवेग, तो संवेग क्या होता है, तो यहाँ पर जो संवेग होता है इसकी सही जोड़ी जो है आपको पी बराबर एम बी, संवेग का सूत्र होता है, तो तीसरे की आपको ए नंबर से मिलाना है। चौथा है शुष्क बर्फ, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको बी नंबर से ठोस सी ओ टू होता है। पांचवा है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है आपको एफ नंबर से मिलाना है, एक बटे एम बी वर्ग होती है। इसके बाद छठवा है नीम की पत्तियाँ, तो जैव कीटनाशक होती हैं। और इस प्रकार से आप पेपर में लिखेंगे, इनके सामने उत्तर दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो जो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस, तो पहले का आंसर ठोस होगा। इस प्रकार से आप पहले के उत्तर में लिखेंगे ठोस। इसके बाद दूसरा प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रा लिखिए, तो त्वरण का एसआई मात्रा का मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, एमएस, और यहाँ पर ऋण 1 की घात, इसे हम पढ़ते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर इस प्रकार से कि यदि कोई मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप जो है क्यों रुक जाती है, तो आदर्श बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण, आदर्श बल के कारण, तो तीसरे का आंसर आदर्श बल होगा। चौथा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्या होती है, पारा होती है। सॉरी, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पारा लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या होगा, पारा होगा। इसके बाद पांचवा है ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या लिखिए, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। छठवा है जर्सी, यहाँ पर रेड सिंधी एवं साहीवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं, तो यहाँ पर यह गाय की नस्लें होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 के 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, 100% रियल पेपर है। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 से दो दो अंक के क्वेश्चन, तो सबसे फटाफट इनके आप आंसर जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, दो अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का है उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखिए, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अथवा का क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो इनके आंसर आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा अध्ययन या आपकी गाइड जो भी नवबोध प्रबोध या प्रश्न बैंक में है, सब में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, अथवा का है एडोसाटोमिस किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से दिया गया है कि दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन से गति के दो उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए, अथवा का है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। तो यहाँ पर हम दैनिक जीवन में गति के दो उदाहरण देख लेते हैं, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे पहले उदाहरण में कि दैनिक जीवन में गति का पहला उदाहरण कि जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो वह अपने आप जो है आगे की ओर झुक जाती है, और जब भ्रामस्था से गतिशील होती तो पीछे की ओर हो जाती है। आपको यहाँ तक लिखना है, क्यों नहीं आपको लिखना है, क्योंकि आपको उदाहरण लिखना है, पहला उदाहरण होगा। दूसरे उदाहरण में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यहाँ तक आपको लिखना है। तो दो उदाहरण हो जाएंगे इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है तंत्रिका कोशिका की दो विशेषताएं लिखिए, दो अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अथवा में पूछा गया है
अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 11 है, संतुलित बल किसे कहते हैं, दो अंक का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक इसके अथवा में दिया गया, असंतुलित बल किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, मुक्त पतन से क्या आशय अथवा का है प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, दो दो अंक के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 13 है, गलनांक किसे कहते हैं अथवा का क्वेश्चन है, क्वथनांक किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, इनके उत्तर आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, संयोजकता किसे कहते हैं, इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ पर फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु दो उपाय लिखिए, अथवा का प्रश्न है, मिश्रित फसल के दो लाभ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, दूरी एवं विस्थापन में तीन अंतर लिखिए, अथवा का प्रश्न है, चाल एवं वेग में तीन अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, हृदयक पेशी के तीन लक्षण बताइए, अथवा का क्वेश्चन है, रक्त के तीन कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की तीन विशेषताओं को लिखिए, तीन अंक में क्वेश्चन पूछा गया, अथवा का है, बहु परमाणुक आयन क्या होते हैं, कोई उदाहरण आपको दो उदाहरण बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में चार अंतर लिखिए, अथवा का क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में चार अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, इस प्रकार से दिया गया है और अथवा में दिया गया है, क्या कारण है कि लोहे की एक कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से पूछा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना चार बिंदुओं के आधार पर कीजिए, अथवा का है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से फटाफट तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100% रियल पेपर के क्वेश्चन हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के रियल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।